Good morning, Mama. Good morning, sweetie. God. बेटा नाश्ते में होल व्हीट सैंडविच, सोया मिल्क, एप्पल योगर्ट एंड जूस. I am loving this. Oh yeah. लेकिन मुझे खाना नहीं है मामा. अच्छा तुम्हें नहीं खाना है ना बेटा, तो ये लो मोनिशा के हाथ के बने हुए आलू के पराठे, जो वैसे भी खाने लायक नहीं होते. You're so funny, Mama. What's so funny about that? और ये मामा नहीं है, ये इंद्रा. हेलो सिद्धार्थ, फोन उठाओ ना. मामा जब तक डैड हिप्नोसिस से बाहर नहीं आ जाते तब तक तो एंजॉय करने दीजिए ना प्लीज. ओह माय बेबी रोशेश बेटा, तुम्हारे नए नाटक की एड में तुम्हारा फोटो कितना क्यूट आया है. और मेरा रोल भी बढ़ा दिया है मामा, अब तो इंटरवल के बाद भी मेरा एक डायलॉग है. ओह माय बेबी माय पचीनो माय मॉलन ब्रांडो, आई लव यू बेटा. लव यू मामा. स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, इनफ, आउट. तुम इंद्रवदन हो, आउट. एक्सक्यूज मी, इंद्रवदन मेरे पति का नाम है. ओह माय, एंड यू गेट आउट. रोशेश बेटा. यस मामा. ये औरत कौन है जो कल रात से मेरी तरह बात करके मुझे इरिटेट कर रही है? हाउ डू यू से. हालांकि मेरे ग्रुप की सारी औरतें मेरी कॉपी करना चाहती, पर दिस इज अ लिमिट. इसे निकाल दो बाहर बेटा. ओके मामा. व्हाट डू यू मीन ओके मामा? सॉरी मामा. रोशेश तुम्हारी मामा मैं हूँ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस मामा. प्लीज फोन उठाओ ना तुम सिद्धार्थ. हाउ डू आई, सिद्धार्थ. सिद्धार्थ का फोन है? हाँ सिद्धार्थ. ये क्या सिचुएशन है भैया, बिल्कुल कंफ्यूजन है यहाँ. तुम कुछ बोलो ना इंद्रवदन को. मैं इंद्रवदन की तरफ से माफी मांगती हूँ. तुम इंद्रवदन को हिप्नोसिस से बाहर निकाल दो प्लीज. उससे बात करो. हाँ प्लीज प्लीज इंद्रवदन फोन. सिद्धार्थ. इंद्रवदन तुम्हारा फोन है और प्लीज फॉर हेवन सेक आके दूध पी लो. माया. यस राधा भाई. मैं राधा भाई नहीं हूं. तो फिर कौन है ये रोशेश, इसे निकालो ना प्लीज. ओके कम कम. अच्छा माया प्लीज जरा बात करो ना, सिद्धार्थ तुमसे बात करना चाह रहा है. हाय सिद्धार्थ. ओके ओके श्योर. रोशेश डार्लिंग मैं अभी आई. हाँ ओके मामा. अरे कहाँ जा रहे हो तुम, क्या बोला सिद्धार्थ? एंड माया के लिए जरा ये चाल बदलो ना, दिस इज सो डेंटी एलिफेंटाइन मामा. और आंटी जी कैसा लगा मेरा ये घर आपको? अरे घर का छोड़, पहले तो अपने सास ससुर से तो मिला. नहीं मिलवा सकती. वो क्या है ना, कल रात से मेरे ससुर जो हैं वो अब सास. मोनिशा. क्या तेरे ससुर अब सास? हाँ मेरे ससुर अब सास नहीं ले रहे हैं. क्या? हाँ साहिल. मेरे डैड को भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है कल रात से, अल्जाइमर. तो वो सांस लेना भी भूल जाते हैं कभी. हाँ कभी. और इसी बात से मेरी सासू माँ बहुत परेशान रहती है. साहिल अरे जल्दी चलो मेरे साथ, इंद्रवदन ने अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दिया है, बाहर ही नहीं निकल रहा. चलो. एक मिनट आंटी जी, ये है मेरी सासू माँ. और जो इंद्रवदन है ना वो मेरे ससुर हैं. और मम्मी जी ये इफ यू डोंट माइंड बाद में. एक्सक्यूज मी हाँ प्लीज, तुम चलो ना मेरे साथ निकालो. अरे बाप रे, अगर अंदर भी सांस लेना भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी. व्हाट? कुछ नहीं. सिद्धार्थ से बात हुई आपकी? हाँ सिद्धार्थ को मैंने फोन किया, फिर इंदू ने बात की. पता नहीं क्या कहा सिद्धार्थ ने, इंदू ने कमरे में जाकर के लॉक कर दिया दरवाजा. मम्मी जी कहीं डैडी जी खुदकुशी तो नहीं कर रहे पंखे से लटक कर? मोनिशा जब इंद्रवदन कमरे में गया तब वो माया था. हाँ तो आप खुदकुशी नहीं कर सकती क्या? सर्टेनली कर सकती हूँ, तुमसे बात करने के बाद जी भी करता है, लेकिन पंखे से लटक के नहीं. दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली नो क्लास. एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए टाइम प्लीज कर सकती हैं? अच्छा आपने दरवाजा खटखटाया मॉम? नेचुरली खटखटाया, रोशेश ने जोर जोर से चिल्लाया भी मोनिशा की तरह मामा मामा. लेकिन अरे आप लोग यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं, जल्दी से उन्हें बाहर निकालिए, अगर बहुत देर तक सांस नहीं ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा. व्हाट? कौन है ये? ये मम्मी जी. साहिल.
प्रवचन ये है। हाँ। हमने आपसे कहा था ना कि डैड को वो भूलने की बीमारी है, तो आज वो ये भूल गए कि वो मर्द है। What's wrong with you? साहिल, मैं गरीबी हटाओ आंदोलन के लिए अनशन करने जा रही हूँ। कब तक आएंगे डॉम, मैड, डैड, मॉम? लस्सी 10 से 12, अनशन 12 से 2, मॉरीन के यहाँ वाइन टेस्टिंग, 2 से 5 क्लब में मिडल ईस्ट फूड फेस्टिवल है, 5 से 7 हम लोग रितु पर्णा बैनर्जी की फिल्म विंड चीटर देखेंगे विद कॉकटेल्स ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर 7 से 9 अनशन। ओके बट बी केयरफुल बेटा, हाँ बाय। क्यों? क्योंकि डार्लिंग मेरे यहाँ खाना नहीं बना था, तुम्हें मोनिशा के हाथ का खाना पड़ेगा ना। डोंट माइंड ना बेटा, जस्ट जोकिंग, बाय। ओके मॉम बाय। अरे क्या ओके मॉम बाय, उसे रोको, उसे डैड डैड मॉम मॉम बोलो उसे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? वो बारिश के मौसम में ऐसे ही फंस जाता है, कल भी फंस गया था। तो फिर खुला कैसे वो? एक मिनट था। रेणुका आंटी, अरे प्लीज रेणुका को फोन करो। मोनिशा मम्मी जी, 1 रुपया वेस्ट हो जाएगा ना। रेणुका आंटी खुल गया, कम ऑन कम ऑन मॉम, कम ऑन। इंद्र मदन, अरे नीचे गया वो, साड़ी पहन के नीचे चला गया वो। मॉम रिलैक्स रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? इंद्र मदन माया बन के गया हुआ है अनशन में। अनशन में कोई कांजीवरम साड़ी और जैकेट ब्लाउज पहनता है। अगर डैड मुझे मिल जाए तो मैं उसे कहूंगा कि सिंपल सादी कॉटन की साड़ी पहनकर जाओ, राइट? सेव योरसेल्फ एज़ फॉर मोनिशा प्लीज। माया मधु भाई, सेम टू यू। देखो कौन है, जयशंकर भाई मेहता, अपने मॉडर्न गुजरात कल्चरल सभा के प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, करेक्ट करेक्ट, रोमिला के पापा। अच्छा आइए आइए। हाँ मॉम, ये लिफ्ट है, यहाँ क्या आइए। आई एम सो सॉरी, आप जाइए। जाइए क्या क्या जाइए मॉम, एंड आप कहाँ जा रही हैं? जा रही हूँ, इंदु को रोकना पड़ेगा, साड़ी पहन के घूम रहा है वो। लेकिन जय शंकर अंकल आए हैं। माया, Anything wrong? तुम बहुत अक्सर रखती हो। अच्छा? हाँ, you know, वो मेरी बहू है ना मोनिशा, उसके हाथ के पराठे खाए मैंने, तेल की फैक्ट्री बिल्कुल। नहीं नहीं, ये कहाँ टीवी देखते हैं? ये तो तुम्हें और इंद्रवदन को अपनी मॉडर्न गुजरात कल्चरल सभा की ओर से इस साल का बेस्ट कपल का अवार्ड देने की बात करने आए हैं। और इसी सिलसिले में मैं तुमसे और इंद्रवदन से बात करना चाहता हूँ। आज क्यों? आज कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए हम अंदर बैठ के बातें करते हैं। इंद्रवदन घर में है ना? नहीं वो अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है। अरे मैं तो उनसे मिलना चाहता था। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि एटलीस्ट मॉम तो है, ये वाला था। तो चलिए अंदर बैठ के बातें करते, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इनके मौजूदगी में इंदु आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? मॉम इस वक्त डैड माया है, वक्त के पक्के, 10 बजे के अनशन में पहुंचना है तो वो 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे, सो यू नीड नॉट वरी, वो यहां पर नहीं आने वाले। चलिए अंदर चलिए। माया एनी प्रॉब्लम? ओह शक्स, तुम बहुत नर्वस लग रही हो। वो जो पराठे खाए ना, एक तेल की फैक्ट्री, दूसरा मिर्ची का खेत, I'm just... इतने बुरे पराठे और इन्होंने 2 खाए। नहीं नहीं, ये तो साहिल है, इनका बड़ा बेटा, दूसरा रोसेश। आइए आइए अंदर आइए आइए। चलो चलो आओ आओ आइए। वाह वाह, Home is the reflection of the homemaker. Maya, मैं तुम्हारा घर देखकर बहुत खुश हुआ। नहीं नहीं विठल नहीं, घर में साफ सफाई झाड़ू पोता तो राधा भाई करती है, जयशंकर भाई। ये बहरा लाल तो हर बात में अपना इंटरप्रिटेशन लगाता। 77 से और इतनी सारी समाज सेवा करने के बावजूद भी घर की सजावट देखो। माया मैंने सुना है कि इंद्रवदन भी तुम्हारी समाज सेवा में हाथ बटाता है। आप
आप मिले इंद्रवदन से नीचे? मॉम कमाल कर रही हो, कैसे मिल सकते हैं? अगर मिलते तो पूछते ना कि हेलो हाय हाउ कम, कुछ तो रिएक्ट करते ना। प्लीज जस्ट यू नो इंद्रवदन बाहर गया है। हाँ हाँ वो गरीबी हटाओ के लिए अनशन करने गया है आज। और जैज डांसिंग भी कर लेती है जयशंकर भाई, और कभी कभी तो गरबा भी। और हमारा इंद्रवदन तो माया का पूरक है। हाँ उसे गरबा करना नहीं आता, गरबे में तो माया इंद्रवदन से भी डबल अच्छा करती है। आजकल मॉम तो हर बात में डबल है ना। ये बस ऐसे ही कह रहा है। स्माइलिंग लेडी, तुम्हारे सोफिस्टिकेशन के बारे में बहुत चर्चे होते हैं हमारी कल्चरल सभा में। सारा भाई।